चाहिए? बोले मैं नहीं संतान हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, ईश्वर जिस स्थिति में रखे आत्मदेव ब्राह्मण को, महात्मा ने ज्ञान दिया, ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मनाना चाहिए। भलू थयू, एक बार एक कितना भी करें, तुम्हारे को पुत्र मिलने से तुम पुत्र की पुत्र वधु होगी, तुम और उसमें फंस जाओगे। तुम आत्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, तुम आगे क्यों नहीं करो, सत्कर्म करो। पर वो बोले पुत्र सदगति दे सकता है, पुत्र श्राद्ध बिना मेरा कल्याण नहीं होगा, इसलिए मेरे को तो पुत्र चाहिए ही चाहिए, पिंडदान नहीं हो सकेगा। आत्मदेव ने कहा एक बात हमेशा रखिए, मन में कपट और छल वाली धुंधली, जब बहुत कहा तो उन्होंने एक फल दिया और कहा कि ये फल ले जा करके तुम अपनी पत्नी को दे देना। पत्नी काहे की लेवे भाई, पति ऐसे ही लाके कोई फल देवे, रीजन बतावे नहीं कुछ नहीं, तो पत्नी ऐसे जल्दी मानती नहीं। तो बोली इसको खा लो, तुमको पुत्र हो जाएगा। अरे काहे का पुत्र हो जाएगा, मैं अपनी मौज कर रही हूँ, मुझे दे करके और पुत्र कराने जा रही हो। कपटी और दम्भी आदमी होता है ना, ऊपर से रह जाता। अच्छा मुझे एक संत ने बताई बहुत अच्छी बात, बोले दो काम करना, एक तो कभी जीवन में किसी को ऐसी चीज देना नहीं, और एक कुछ करना, एक ऐसा कभी नहीं करना। बोले क्या? बोले किसी के साथ जीवन में कपट मत करना। कपट करने से कृतघ्न आदमी हो जाता, और कपट करने से कभी मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। और दूसरा, किसी को कभी नहीं देना, कभी नहीं देना। धोखा किसी को मत देना। धोखा देने के बाद क्या हो जाता है कि सत्य तो उड़ ही जाता है, लेकिन उस कृतघ्न आदमी का कभी मोक्ष नहीं होता, उसे उस कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कभी जीवन में दो बात याद रखें हम सब, कि कभी किसी को धोखा ना दें, और कभी किसी को, किसी के साथ कपट ना करें। कथा में महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया और वो ला करके फल दिया। फल किसको दे दिया? उन्होंने अपनी बहन को दे दिया और बोले 12 महीने के, और फल तो गोकर्ण को दे करके, और पत्नी अपनी उनसे कहा, बहन से, कि तेरे 9 महीने के बाद तू जो होगा वो मेरे को दे देना। वो फल गाय को खिला दिया, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण हुआ। धुंधुकारी उसके पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुकारी का अर्थ भी वही है, अहंकार। धुंधली पत्नी के कौन से आएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये जो 5 वैश्याओं के साथ वो रहने लग गया, बड़ा हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये जो 5 विषय इसके साथ रहने लगा। हाथ परोपकार नहीं करते पिताजी, वो चारों तरफ अपनी अपनी दुर्मति फैलाने लग गया, और इतना बुरा रहने लग गया कि आत्मदेव घबरा गया और बोलो जाने के लिए तैयार हुआ। गोकर्ण यहाँ पर पैदा हुए। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण एकदम सदाचारी, बहुत सत्संगी आदमी पैदा हुआ। उन्होंने पिताजी को कहा, पिताजी आप संसार के विषयों में मत फंसिए, ठाकुर जी की तरफ लगिए। अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र आने लग गई है, अब गुजर गई थोड़ी रही, थोड़ी भी चली जाए, थोड़े से के खातिर क्यों ताल भंग बह जाए। गंगा के किनारे जाकर आप अपनी ठाकुर जी की सेवा करिए। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से पकड़ करके ध्यान मग्न होइए। अगर सच पूछा जाए तो कहते हैं पाप बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ा पाप मैं जानती हूँ, मैंने संतों से सुना है, सत्संग का अभाव और ईश्वर के प्रति निष्ठा का अभाव सबसे बड़ा पाप पर नरक में ले जाता है। और जो भागवत का आश्रय लेता है उसके उसके पाप अपने आप क्षय हो जाते हैं। यहाँ पर 5 स्त्रियों ने मिलकर के उसे मार डाला और गोकर्ण बाहर चले गए थे। उन्हें पता लगा कि धुंधुकारी की मौत हो गई है। उन्होंने गया श्राद्ध किया, गया श्राद्ध करके, आप सबको कहानी मालूम है इसलिए एक लाइन में बता दे, गया श्राद्ध किया और वो उनको उसकी मुक्ति नहीं हुई। एक प्रेत दिखाई पड़ा, गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? बोले गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, मुझे तुझे सदगति कैसे मिलेगी? समझ में नहीं आया गोकर्ण को कि मैं सदगति कैसे दूँ। सूर्य नारायण जी जा रहे थे, उनसे पूछा सूर्य को अर्घ देते हुए, तो बोले भागवत का पाठ कराओगे तब इसे मुक्ति मिलेगी। प्रेत योनि से मुक्त हुआ और वहां पर एक बांस लगा दिया गया, उसमें 7 गांठें लगी हुई थी। वो 7 गांठें जो थी वो वासना की, उस अपनी 7 प्रकार की वासनाएं उसकी गांठ के
द्वारा उसकी मुक्ति हो गई। घर बार की आसक्ति, नारी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति, इन सब आसक्तियों का त्याग हो, तब जाकर काम क्रोध लोभ मह मत्सर अविद्या को सात गांठ से मुक्ति हो। यहां पर जब जैसे गोकर्ण ने सरस्वती हरिद्वार में गंगा जी के किनारे भागवत की कथा बैठाई और बैठा करके और सब एक एक दिन की कथा होते हुए एक एक बांस का टुकड़ा उड़ता गया और उसकी धुंधुकारी की मोक्ष, धुंधुकारी को तो मोक्ष हुआ लेकिन बाकी सब थे तब गोकर्ण को भी लेने के लिए आए। तब गोकर्ण ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा और वहां पे जोर जोर से कीर्तन शुरू हो गया। झांझ किसने लिए? प्रहलाद जी ने झांझ ले लिए, तब तबला गत भक्ति मान ले लिया, प्रहलाद जी ने लिए, उद्धव जी ने झांझे ले ली, नारद जी ने वीणा ले ली और अर्जुन ने अपना कीर्तन गाना शुरू किया। जोर शोर से वहां पे भागवत महापुराण की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण। अरे कीर्तन तो जोर से करो कहीं भगवान नहीं आ जाए। राधे राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे गोकर्ण जी के सामने स्वयं ठाकुर जी पधार गए। देखिए कीर्तन बीच में क्यों किया जाता है पता है? कि हमारा ध्यान इधर उधर हो जाए तो वापस ठाकुर जी के कीर्तन से नाम सुनकर के हम वापस विषय पर आ जाए। ये महात्म्य सुनाने का, जब श्रीमद् भागवत सात दिवसीय किया तो महात्म्य सुनाने का एक विधि होती है, विधान होता है, इसलिए इस महात्म्य से। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा इस के माध्यम से हमें बीच बीच में अपने को सत्संग से वी शुड बी, मतलब अपने को बहुत वो रहना चाहिए कि कहीं हम पर कलयुग का या कोई नींद का प्रभाव ना आ जाए, इसलिए कीर्तन करते रहना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा कि सब लोग को ले जाने के लिए, मेरे को ले जाने के पहले देहिस्तमान सरुधरे, ऐसा कहा कि किसी को शिकायत नहीं करते हैं न ही सुनते हैं, किसी से द्वेष नहीं करना, निर्भय रहना, और अगर सचमुच में शरणागत हो गए और शरण्य हो गए हैं तो भगवान में संदेह ना हो।
देखिए भक्ति तो आजकल बहुत ज़्यादा है, वृंदावन इधर उधर जाते हैं, अपन लोग बहुत भक्ति करते हैं। भक्ति किसको गिनते हैं? भगवान का नाम ले लिया, दर्शन कर लिए, खूब तीर्थ यात्रा कर ली। लेकिन हमारे स्वामी जी कहते थे उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतनी, तीर्थ यात्रा अधमा धमा। तीर्थ यात्रा तो शुरुआत में कोई कर लेते हैं, भाई सारे दिन टाइम नहीं है तो एक मिनट दर्शन करके आ जाओ, मंदिर में दे आओ, एक फल दे दो ब्राह्मण को, बैठ जाओ, आ जाओ, हो गई पूजा। लेकिन वहाँ से नहीं, वहाँ से अधमा अधमा। उसके बाद शास्त्रों का चिंतन करने के बाद हमारा विवेक कुछ जागृत होगा। हम यहाँ चिंतन मनन के लिए बैठे हैं, और चिंतन मनन में कभी कभी निद्रा देवी आ करके हमको बीच में डिस्टर्ब कर दे, तो हम लोगों को बीच बीच में कीर्तन करके अपने को वापस वहाँ से विषय तक ले आना चाहिए। गोकर्ण और धुंधुकारी के बारे में ये नहीं कि हम सभी आत्मदेव हैं, हमारे में भी आत्मा है, हमारे साथ भी वही प्रतिकूलता है जो धुंधली के साथ में, हमारे अंदर भी वही कपट है, और हमारे अंदर भी यही किसी और की कथा नहीं है, हमारी खुद की कथा है। जितनी कथाएं इसमें केवल भक्त और भगवान की कथाएं हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती है। यहाँ इतने जन बैठे हैं, किसको क्या चीज़ मार्गदर्शन कर जाएगी पता नहीं। ये नहीं कह सकते कि मुझे हो और आपको ना हो, आपके अंदर कोई चीज हो तो आपका मार्गदर्शन कोई भी भक्त और भगवान आकर के कर सकता है। देखिए चार प्रकार के भोजन होते हैं, एक चूसने का, एक चबाने का, एक निगलने का और एक खाने का। क्या? चूसने का, चबाने का, निगलने का और खाने का। आम्ल तिक्त कटु कषाय मथुर। लेकिन खाली एक पीने की भी होती है, वो क्या है? प्रेम निगम भागवतम रसमालयम, जो अभी आएगा जब पता लगेगा कि जो पीने का रस है वो केवल केवल भागवत में है। कैसे पिए? संतों के संग होकर के पिए, किसी के माध्यम से पिए, और डायरेक्ट मिलता हो तो डायरेक्ट पिए, लेकिन प्रेम का रस अवश्य पिए। पता नहीं हमें संत रसिक मिलते नहीं, हम खोजते नहीं। प्यास लगती है तो पानी के पास प्यासा चला जाता है, कुआं अपने पास। तो जल्दी बताइए कि आप कुएं के पास कब कब गए हैं? जब रसिकों का संग करेंगे, जब सत्संगियों का संग करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि श्रीमद् भागवत में आने के बाद आपको प्रेम का प्याला न मिले। सत्कर्म की भी प्रेरणा में सत्संगियों से मिलेगी। एक बात आपको बताएं, मैं बहुत संतों के पास जाती थी, अपना ही अनुभव बताती थी। मैं जाती और मैं वहां पहुंचती, हमने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है, वो मेरे अंदर से आ जाता था। अरे ये तो मैंने बहुत सुना है, अरे ये ये क्या, अच्छा अच्छा ये तो उन्होंने बताया था, अच्छा बापू भी बता के गए थे। अच्छा ऐसे अपने रहता है कि जो सुना हुआ है उसे याद करते हैं। इसलिए संतों के पास जाएं तो खाली होके जाएं, पता नहीं उनकी क्या प्रेरणा से उनको क्या हमें प्रसाद मिल जाए। हमारा तो पहले ही का चिंतन इतना भरा हुआ है कि हम उसको कभी खाली नहीं कर पाए। तो खाली नहीं करेंगे तो उनका दिया हुआ विवेचन शायद आज भगवान परमात्मा यहाँ से कुछ अपने को देना चाहे, पर हम तो अरे श्रीनोड़ी है महात्मा है भाई, आज तो महात्मा सुना सी काल चालस्या, होता है कि नहीं होता है? लेकिन नहीं, सुनते सुनते कोई ऐसी दृष्टि पड़ जाती है। मुझे स्वामी जी महाराज कहते थे, मैं कि महाराज जी कब होगा? पहले के जमाने में लॉरी आती थी, लॉरी तो लॉरी के आगे एक वो हैंडल होता था, तो हैंडल घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, पर ये नहीं पता लगता कि 10वें में लॉरी चलेगी कि 15वें में चलेगी कि 20वें में चलेगी। घुमाते घुमाते अचानक लॉरी स्टार्ट हो जाएगी। तो पता नहीं कितने दिनों से हम भागवत और सत्संग सुनते 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 आज ही क्यों नहीं हमारी लॉरी स्टार्ट हो जाए और आज ही हमें कुछ सुनने मिल जाए। जय हो। तो पता नहीं है कौन से समय हमें ठाकुर जी का रस लग जाए। ये तो भैया वो चीज है कि कौन सा, जैसे शराब पीने वाला जरा सा मुंह में लेता है और कौन से क्षण उसको पीने की याद आ जाए, अपने को भी सुनते सुनते कौन सा क्षण ऐसा आ जाए कि हमें भी उसके नाम की लगनी लग जाए और हमें भी ऐसा लगे कि बस अब भगवान नाम की और भगवत कथा के सिवाय हमें और कुछ पसंद ना आए। कई लोग कथा में इसलिए जाते हैं, बताऊं, अभी आप लोग जा रहे हैं आ रहे हैं इसलिए नहीं मैं बोल रही। एक बार एक गृहस्थ था, उसका नियम था 12 वर्षों तक वो कथा सुनता था।
सुनी बात है, 12 वर्षों तक सुनता था। तो उसका बेटा एक दिन पूछा कि पिताजी आप इतनी जगह जाते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, उसका तात्पर्य क्या होता है? तो आपकी इतनी कथा सुन रहे हैं तो आपको वैराग्य नहीं आया? तो उनके बेटे को सुनाने के लिए लिखा, तो उसका बाप कहता है नहीं नहीं नहीं, इसको कथा मत सुनाइए, वैराग्य हो जाएगा तो मेरे आगे की चीज कौन करेगा? बोले आपको 12 वर्ष सुन के वैराग्य नहीं हुआ तो उसको एक बार सुनने के बाद वैराग्य हो जाएगा क्या? क्यों डरते हो, कथा तो सुनने दो। बोले कथा सुनने से क्या होगा? बोले कथा सुनने से ये होगा कि संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है और जो हमें दुख देती है उसका हमें भान होगा। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा बेटा ही हमको ठीक कर देगा, हमारा पति ही हमको सब कुछ दे देगा, हमारी माँ ही सब कुछ दे देगी। लेकिन जब मालूम पड़ेगा, जब उधर से थप्पड़ मिलेगी ना, तब लगता कहाँ जाए। सबके बीच में होता होगा, हमारे बीच तो होता है, हम गृहस्थ में तो बहुत होता रहता है। एक संत ने मेरे को बहुत अच्छी बात सुनाई थी, वृंदावन में थे, उन्होंने कहा, बोलिए माताएं होती ना, मुझे नहीं बोलना चाहिए पर माताएं होती है, वो जब बेटा माँ माँ करने लगता है तो ये ऐसे जाती कि जैसे मेरा बेटो आज सब क्यों दे देसी। और जो ब्याह होने के बाद भी ना बोले बेटा बेटा माँ मुझे आज फुर्सत नहीं है, आज फुर्सत नहीं है। वो 4 दिन तक 5 दिन तक आता नहीं है, तब उसका बहुत पीछे पड़ती है तो अपमान कर देता है, बैठी हरी हरी क्यों नहीं करती, दिन भर बेटा बेटा करती रहती है, बैठी हरी हरी करना, जाना तो वृंदावन जा, तेरा सब प्रबंध कर देता हूँ। तब पता लगता है कि जब लाठी आती है तो पता लगता है कि अपना कोई नहीं है, जब प्यार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ है। इन इन इस कथाओं से, इन बोध से, इस ज्ञान से, इस वैराग्य से हमें मन में आएगा कि ये सच्चा साथी हमारा संसार नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं। अब इसके बीच में किसी ने कह दिया कि श्रोता और वक्ता दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के श्रोता हैं। मैं भी उसी श्रोता में से हूं, आप मुझे ऐसा मत सोचिए कि मैं वक्ता हूं। 4 प्रकार के श्रोता नहीं, 2, अधम और उत्तम। एक नीच कोटि के 4 हैं और 4 प्रकार के हैं उत्तम कोटि के। अब अपने अपने को मैं भी सोच लूंगी मैं कौन सी कोटि की श्रोता हूं, प्लीज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्तम प्रकार के श्रोता 4 होते हैं, चातक, हंस, शुक और मीन। चातक प्रकार का जो श्रोता होता है, तो जो बादल बरसते होते हैं, बरसते बादल में से अन्न जल को नहीं लेकर के अपने विषय को छोड़कर जो अपनी को जरूरत है वो चातक अपना रस ले लेता है, जो इसमें से जो अपने काम की चीजें वो ले लेता है। हंस कैसा होता है? हंस जैसा श्रोता नीर नीर और क्षीर का अंतर कर लेता है, दूध दूध होता है वो ले लेता है, बाकी का छोड़ देता है। तोता कैसे होता है? तोता ऐसा होता है कि सुन लेता फिर रिपीट कर देता है, अंदर गया कि नहीं पता नहीं, अपना सुन लेता, हाँ मैंने भी सुनी ये बात, मैंने भी सुनी, अरे अंदर गए क्या, आशय आसक्ति छुट्टी क्या, नहीं। और चौथा प्रकार का होता है मीन, मछली जैसे आदत पड़ जाती है। बहुत लोग होते हैं बस मंदिर जाते हैं और कथा बहुत सुनते हैं, सुनते ही रहते सुनते ही रहते सुनते ही रहते हैं, नहीं होता तो टीवी चला के सुनते रहते हैं। उनसे पूछते आज कैसे, अच्छी बहुत थी जी कथा, क्या सुना, वो तो देखो मुझे याद नहीं है लेकिन अच्छी बहुत थी। यहाँ से भी जाने के बाद देखें कि बात तो बहुत अच्छी थी पर मैं बता नहीं सकती कि कैसी थी, अच्छी बहुत थी। ये ऐसे मीन रूपी श्रोता होते हैं। अब 4 श्रोता जो अधम रूपी के होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है एक आधा श्रोता कि एक शब्द को पकड़ लेता है और उसी को पीने लग जाता है, ऐसा भी मीन की तरह होता है। अधम श्रोता एक होता है भेड़िया जैसा, वृक्ष जैसा, यहां पर तो कोई नहीं है वैसे, जो भेड़िया श्रोता बीच में उठ उठ के शोर करने लग जाता है, उसका 1 मिनट भी मन नहीं लगता, अरे भैया जरा इधर आना, अरे भाई कोई कथा बोल रहा है, ऐसा श्रोता होता है, ये भेड़िए की तरह होता है। और फिर होता है भुरुंड पक्षी की तरह, वो श्रोता होता है कि शिक्षा की बातें तो सुन लेता है, अरे भाई कथा में जावे सुनने के लिए जावे, कोई आचरण के लिए थोड़ी जावे, कितना वर्षा सब मैं सुन रहा हूँ, कोई आचरण करी जावे के घर में, हाँ घर गृहस्थी में कोई आचरण थोड़ी करता है, तू कहेगा वैराग्य कर लेगा, काहे का वैराग्य कर लेगा, कथा सुन ली वहीं पल्ला झाड़ करके आ जाया करो, घर ले जाने के लिए नहीं होती कथा। वो भुरुंड पक्षी की तरह श्रोता सुनता है। वृष, अब देखिए जी, अब वृष की तो बैल के बारे तो आप सब जानते हैं, कोलू का बैल,
गोल 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 घूमता रहता है। जैसे सब लोग कथा सुनते रहते हैं पर कहाँ पहुँचते हैं पता नहीं। कोल्लू का बैल कहाँ पहुँचता है किसी को पता है? उसको ही नहीं पता, उसकी आंख में पट्टी बंधी रहती है, गोल गोल घूमता रहता है, पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। वैसे भी कथा लोग सुनते हैं। और एक ऊंट की तरह होता है कि नीम की पत्ती खाता है। यहाँ में क्या गलत है वो पकड़ के बाद में सुनाऊंगा, उसकी क्या आलोचना करूं, ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था। कड़वा चीज लेने का श्रोता होता है, और वो श्रोता अभी यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे सब के सब उत्तम श्रोता के लोग बैठे हुए, मैं भी खुद उत्तम श्रोता हूँ। अब श्रोता वक्ता होने के बाद अब श्रीमद् भागवत महापुराण के हम मूल जो जड़ है, मुझे श्रीमद् भागवत का ये जो प्रथम स्कंद के जो पहला अध्याय, देखिए यहाँ पर तीन मंगलाचरण होते हैं। पहला मंगलाचरण हमने किया, दूसरा सच्चिदानंद रूपाय ने किया, तीसरा मंगलाचरण अब शुरू हो रहा है। मंगलाचरण का तात्पर्य है, क्योंकि भागवत यहाँ से शुरू हो रही, अभी तक महात्म्य था। भागवत का मंगलाचरण का अर्थ है जिसका मंगल आचरण हो वो मंगलाचरण, मंगल प्लस आचरण। आप हमेशा बोलते ना मंगलाचरण करिए, लेकिन मंगलाचरण मतलब अपना मंगल आचरण बनाइए। मंगलाचरण क्या, हमने तो मंगलाचरण कर दिया, अरे आचरण में मंगल होना चाहिए ना। इसलिए जहां जाए मंगल हो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि, मंगल हो मंगल हो मंगल हो, ये जो मंगल जिसके चारों तरफ हो तो मंगलम भगवान वहीं पर रहता है। जिसका मनन चिंतन मंगलमय हो वो मंगलाचरण। व्यास देव जी का, सुखदेव जी का और सूत जी का तीन तीन के मंगलाचरण है। मैं तो इतना ही कहने जा रही हूँ कि मुझे ये मंगलाचरण और इसमें जो छह प्रश्न हैं ये मैं जरा शांति से करूँगी, इनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो प्रथम स्कंद का प्रथम चीज है इस पर पूरी भागवत आधारित है। इसमें छह प्रश्न किए गए हैं ऋषियों के द्वारा, और वो छह प्रश्न का उत्तर पूरी भागवत है। इसके इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों को सुन करके अगर किसी के मन में आए तो वो प्रश्न न समझ में आए तो कृपया प्रश्न लिखें और फिर उसका उत्तर यहाँ से दे दिया जाएगा। इसलिए ये मन में सोचिए कि ये जो श्लोक हैं, ये श्लोक मंगलाचरण के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका एक एक का बहुत सुंदर अर्थ है। जन्माद्यसयतोऽन्वया दितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजोवारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस। बोलो पंडित, सब पंडित बोलो। सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मात्सराणां सतां वेद्यां वास्तव मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरोद्यतेऽत्र तक्विभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् 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 निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भा मुहुरहो रसिका भूरि भावका मुहुरहो रसिका भूरि भावका। क्या बात है, क्या बात है। ये तीन श्लोक भागवत के प्राण है। ऐसे तो प्राण दशम स्कंद है, हृदय गोपी गीत है, लेकिन जिस पर खड़ा है वो जड़ है, खंबा है। ये जन्मादस्य का धीरे धीरे ये अर्थ आएगा, जिससे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी असत पदार्थों से जड़ नहीं चेतन है। ये जो पहला श्लोक है इसका अर्थ बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये बताऊंगी कि सत्यम परम धीमहि पे ये श्लोक का, पहले श्लोक का चौथी लाइन आ रही है सत्यम परम धीमहि, और इसका लास्ट श्लोक जो है वो भी सत्यम परम धीमहि से संबंधित है। लास्ट श्लोक जरा पढ़ के सुना, द्वितीय खंड से लास्ट श्लोक भी उसका, मैं श्लोक आपको पढ़ के सुनवा देती हूं। वो भी सत्यम परम धीमहि से ही शुरू अंत होता है। जैसे अशोचानव शोचस्तुम से गीता शुरू होती है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। तब भगवान जब पूर्ण रूपेण शरणापन्न होकर के और अर्जुन उनके सामने गया, तब कृष्ण भगवान ने शुरू करी गीता कहां से, अशोचानव शोचस्तुम, और सात श्लोक के बाद एंड कहां किया, मा शुच। यहां पर भी सत्यम परम धीमहि इसका अर्थ बताएंगे, सत्यम परम धीमहि श्लोक का आया है और लास्ट श्लोक आएगा कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद् राताय कारुण्यत स्तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। कहते हैं सत्यम परम धीमहि का इतना क्या पूरे के पूरे अंदर लिया है, क्योंकि हम सत्य रूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। सत्यम व्रत सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम रिहतम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य ही हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वो सत्य परमात्मा, अरे उनको मर्जी आती तो रुद्रम परम धीमहि कह देते, कृष्णम परम धीमहि कह देते, शिवम परम धीमहि कह देते, कुछ भी धीमहि कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सब परमात्माओं के ऊपर सत्य परमात्मा को मानकर सत्यम परम धीमहि कहा। ये जहां पर जल तेज वायु आकाश ये सबके सब पूर्ण रूपेण सत्य में समाहित है, जिसका नाम और आकार कुछ भी नहीं है वह सत्य है। सत्य की खोज में हम निकलते हैं, अरे भाई जितनी सत्ता मात्र है वो सत्य है, सत्ता मात्र सत्य है, और सत का स्वरूप चेतन है सच्चिदानंद के अनुसार, और चेतनता से आती है। जितने हम बैठे हैं पता नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं जाता है, मतलब हमारी चेतनता अभी जागृत नहीं हुई है। तो सत और चेतन है, और चेतना का स्वरूप है उसका, चेतना का विशेषता क्या आनंद है। ये सत्य के ऊपर सारा पृथ्वी क्या सारा ब्रह्मांड
खड़ा हुआ है, वो सत्यम परम धीमे ही कहा। सबके सत्य अलग अलग होते हैं, पारिवारिक सत्य, यहाँ के सत्य, इसलिए सत्यम परम धीमे से शुरू होता है जो पूर्ण सृष्टि से अभिन्न है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये सत्यम परम धीमे ही जो ठेठ तक लेके जाता है, इसमें जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा जेल में, तब भी यही प्रार्थना की जाएगी सत्यम व्रत। कोई कृष्ण भगवान प्रकट हो की प्रार्थना नहीं की जाएगी। और इसके अंदर सत्यम परम धीमे ही का सत्य स्वरूप ब्रह्मा से श्रीमद् भागवत महापुराण प्राणी मात्र को दया करने वाले मत्सर रहित सद्गुणों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर है। अब हमको इतना क्यों अच्छा लगता है? अच्छा इसलिए लगता है, तेजो वार्य मृदाम तथा विनिमयो, आदि से रहित अंत तक हम सत्य के रूप में प्रकट हुए आनंद को लेने जा रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं आनंद आ रहा है? हम संसार के कीचड़ में फंस गए। कहां फंस गए? फंस गए। अबे हम निकलने के लिए अजन्मा जन्मादश से अजन्मा पैदा होना है। भव सागर को पार करने के लिए गोविंद की नौका चाहिए। अगर हमें कहीं पर भी गोविंद का विषय मिल जाए तो उसमें डूब जाना चाहिए। अरे कहीं पे चलते चलते मुझे तो ऐसा लगता है, एक जना ने मेरे को पूछा कि संत कहां से लाए, हमारे पास संत नहीं है। संत वृत्ति पकड़ने की आप में वृत्ति होगी तो आप चलते चलते किसी को भी पकड़ लेंगे। अगर आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हम कहां से जाएं, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था कि आपके पेपर हाथ में आएगा, वहां से वो गुरु बन के उत्तर दे देगा। हमारी जिज्ञासा तो तेज होनी चाहिए, हमको सत्य व्रत पर चलने के लिए या अध्यात्म में जाने के लिए इच्छा तो तेज होनी चाहिए। हमारी इच्छा ही तेज नहीं है। यहाँ पे जितने जने क्या चीज के लिए लेके सुन रहे हैं, ये सोचे कि आज के बाद मैं घर जाऊंगी तो मैं बिल्कुल एक ही तरफ एक परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा की बनने के लिए जाऊंगी। या अनुरागी चित्त की गति न जाने कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये चित्त जितना इसमें डुबाओगे उतना उतना उज्जवल होएगा। ये ऐसा नहीं है चित्त की इसको लेकर के थोड़ी देर किया, अरे संसार के काम सुख में जितनी देर जाओगे, पहले दिन जितनी पत्नी अच्छी लगती है उसकी उतनी पत्नी धीरे 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 कम अच्छी लगने लग जाती है। उसके बाद लगता है कि अरे क्या तू कहाँ जा रही है, तू चल। दो चार दिन साथ में रह जाए तो पत्नी पूछती है क्यों आप ऑफिस नहीं जाएंगे? क्यों भाई, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊं तो तुमको कोई तकलीफ है? नहीं बात नहीं, मेरी तो आज कोई मीटिंग्स थी, दोपहर से मुझे जाना था, आप नहीं जाएंगे? मतलब उसके बाद ऐसे लगते हैं कि और दूसरी चीजों की तरफ आकर्षण बढ़ता जाता है। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है, गोविंद में जितना डूबने लगते हैं उतना उतना गोविंद की तरफ जाने का मन नहीं करता, उसमें से निकलने का मन नहीं करता, इतना इतना उज्ज्वल होते चले जाता है। ये श्रीमद् भागवत का पूर्ण हम लोग ले लेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। हमारे अंदर पूर्णतः प्रेम का पानी देने के लिए मुयंति यत सूर्य, इसमें मोहित होना है। मोहित आपको, हम सबको ऐसे बैठना है आज से यहां तक 7 दिन तक, जो चीज मोहे, मैं तो ये नहीं कहती हूं बत्ती मोहे ये मोहे। अरे रैदास जी कोई संत और गुरु नहीं बने थे, लेकिन मीराबाई को चलते चलते रैदास जी तो जूते बनाते थे, और जूते बनाते हुए वहां पे मीराबाई गई और उन्हीं को गुरु बना लिया। एक माधवानंद जी थे, उनको कोई गुरु नहीं मिला, जाते जाते गुरु से कहा, बोले मैं देता नहीं, मैं किसी को दीक्षा देता नहीं। वो यमुना जी में स्नान करके आने लग गए और उन्होंने जो ही कह दिया हरे कृष्ण, उनको छू गया उनको, तो उन्होंने कहा हरे कृष्ण, उसने कहा यही मेरी दीक्षा हो गई। तो लेने वाले के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसा हो तभी ले, और देने वाले के लिए ये जरूरी नहीं कि पात्र हो तो ही दे, क्योंकि बारिश हमेशा होती रहती है, पात्र हमें ले जाना है। बारिश नहीं आपके घर में आकर के बैठने वाली है, तो बारिश तो होती रहती है, ऐसे ही प्रभु प्रेम की बारिश हर जगह होती रहती है। लेने वाले का हृदय चाहिए। और मैं आज सच्ची में यहाँ पे स्वांत सुखाय के लिए बैठी हूँ, और मैंने श्रीमद् भागवत जी से प्रार्थना करी है ये 7 दिनों में मेरे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, मेरी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, मेरे हृदय में प्रेम का पानी आना चाहिए, मुझे 24 घंटे आपकी रटन होनी चाहिए।
ये लेकर के मैं बैठी हूँ। और मैं भी आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई ऐसा संकल्प लेकर के आज ये प्रथम स्कंद शुरू करें कि आज 7 दिन में हमारे अंदर में जीवन में परिवर्तन। सच कहती हूँ, होएगा होएगा होएगा, ये विश्वास से कीजिए। तेजो वार इमृदाम, क्या सुंदर शब्द है। मैं संतों से सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था इस शब्द के अर्थ क्या है। तेजो वारी मृदा, तेज वारी मतलब पानी, अमृदा मतलब मिट्टी, नहीं तेजस्वी बनिए। क्या आप सुंदर शब्द है तेजस्वी। हम लोग बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, भाई सुखी ना दूधा पुतो पूंदा फड़ो, क्या आशीर्वाद देते हैं, पुता फड़ो, अरे काका पुता फड़ो। तेजस्वी भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, मंगल भव, ये कोई आशीर्वाद होते हैं हम लोगों के आशीर्वाद। चोकड़ा भाई पीसा मोकड़ा लियो, मोकड़ा लियो, मोकड़ा पीसा कमाओ, मोकड़ा पीसा कमाओ, आशीर्वाद ऐसे होने लग गए। अरे हम की संतति को तेजस्वी भव का दीजिए कि उनके मुखारविंद पे तेज प्रकट हो। आजकल तो ब्यूटी पार्लर में वह काफी तेज बना देते हैं, ऐसे एक जैसा चेहरा होता है। एक लड़की को मैंने देखा इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ से नहीं बोलना चाहिए। एक लड़की का चेहरा कुछ और था, वो जब शादी के अंदर आई तो मैंने कहा शादी तो उसकी थी, इसकी कहाँ से हो गई। वो एकदम सफ़ेद कर दिया उसको, काली को सफ़ेद बना दिया और कुछ ऐसे ऐसे नेत्र बना दिए, मेरे को लगा किसकी शादी थी। सच्ची में इतना ब्यूटी पार्लर चेंज कर देती है कि पता ही नहीं लगता कि कौन था। पर वो तेज नहीं, तेज मतलब हमारे भीतर का तेज, हमारे गुणों का तेज, हमारे ज्ञान का तेज, हमारे प्रेम का तेज हमारे मुख पर प्रकट होना चाहिए। अरे इतना तेज होना चाहिए, तेज मतलब तेज है अग्नि का स्वरूप, तेज है अग्नि का स्वरूप। हमारे हृदय में अग्नि जले जिस पे कोई रोटी सेक ले, अरे रोटी तुम्हारे लिए तड़पे। सत्व का जो घी है ना, सतोगुण का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन है हमारे पास, जो सतोगुण का घी है वो ठहर गया है हमारे पास। बंबई में आ जाते हैं ना तो वृंदावन जाते हैं तो थोड़ा सा संतों के बीच थोड़ा सा घी पिघल जाता है, यहाँ आने के बाद सत्वगुण का घी जम जाता है। जम जाता है तो क्या करें, तेज तेज कहाँ से लाएं। तो जो ध्यान तप संत ऐसे बैठे हों उन वो अपने योग ध्यान से ऐसे कलछियों से भी निकाल रहे हैं पर घी निकल रहा नहीं है, तो क्या करें। श्री कृष्ण प्रेम के रूपी में और योग कोई योग ज्ञानी ध्यानी संत के पास अपने जलते हुए किसी संत के पास अपने हृदय को ले जाकर पास रख दो तो भीतर का पानी होकर के वो घी पिघल जाएगा। किसी संत के पास जाके बैठो और उनकी अच्छी बातें सुन के हमारा सत्वगुण का जो घी जमा हुआ है वो पिघल जाएगा। और वो जब पिघलेगा तब क्या करेंगे, तो वो पिघलने के बाद उसको कोई कटोरे में भर लेंगे, तो भीतर का जो पात्र में भरेंगे तो उसके साथ में पानी भी लगेगा। अग्नि गर्म होती तो पानी तो चाहिए ना जिससे ठंडा हो पात्र। वारी तेजस्वी हो गया, संत के पास रहा और संत के पास लेकर के वो तेज तो आ गया लेकिन पानी नहीं आया। वारी पानी, तेज तो शायद किसी संत के पास जा गया, लेकिन आजकल क्या कई लोग है ना संतों के पास जाते तो हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा आजकल किसी न किसी के संत गुरु रहते ही है, लेकिन क्या कि वो सोचते हैं वो संत हम चाहेंगे जब बुला लेंगे, वो संत हम चाहेंगे जब बुला लेंगे। अरे तुम संतों की, वो संत। एक आदमी मेरे पास आया, मेरे को बुला, आज से 15 बरस पहले की घटना होगी, मैं दिल्ली में थी, तो बोला गुरु तो हमको बनाना है लेकिन क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत गुरुओं के पास गई लेकिन मेरे लायक गुरु नहीं मिला। तो उस समय स्वामी जी महाराज बैठे थे, इसका साक्षी आज यहाँ पे झूठ नहीं कहूँगी। स्वामी जी महाराज बोले तुम गुरु खोज रहे हो कि शिष्य चेला खोज रहे हो। बोले नहीं महाराज जी मैं गुरु खोज रहा हूँ। तो गुरु को खोजने के लिए परीक्षा तुम ले रहे हो, जो परीक्षक होता है वो परीक्षा पत्र देखता है, तो तुम तो गुरु खोजने निकले, मतलब गुरु से तो तुम्हारे पास ज्यादा ही ज्ञान है, तुम पास करोगे कि ये गुरु बनने लायक है कि नहीं है। तो गुरु तुम पास करोगे तो तुम तो गुरु के गुरु हो ही गए, तो इससे क्या मतलब निकला। वैसे ही हम संतों के पास जाते हैं तो हम उनमें से कानी कोचड़ी कोई न कोई उनकी आलोचना कर ही देते हैं। गए तो थे, बहुत भीड़ थी पर मिले भी नहीं, ठीक से बात नहीं किया, मूड नहीं था, कुछ न कुछ हम कीचड़। वो कीचड़ को साफ करने के लिए हमें वारी की जरूरत है।
जल की आवश्यकता कहां से लेंगे? जल कहां से लेंगे? जल बताइए, तेजस्वी तो बन गए आप, संतों के पास जाकर के आपने अग्नि ले ली, अब जल कहां से लेंगे? किसी सत्संग के पनघट पर जाकर के अपना हृदय के पात्र को भर के ले आइएगा, सत्संग के पनघट पर मिलेगा। और ये सत्संग का पनघट है, यहां पर जाकर पिएंगे किससे? किसी संत के आंख के प्याले से, किसी संत के आंख के प्याले से, जो कि इस पे रमा हुआ है, उसकी आंख के प्याले में आंख दे करके और अपने ग्रहण करने की शक्ति से पीने लग जाइए। और जब हम पिएंगे, जब सत्संग हमारे हृदय को द्रवित करेगा, जब हमारा हृदय द्रवित होगा, तो द्रवित होने के बाद अपने आंखों से पानी आएगा, और जब पानी आएगा तो अपने आप वारी हो जाएगा। पर आग चाहिए दिल में, भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। ये भाव जो है, ये भाव रूप ही, भाव में और रस में यही राधा कृष्ण है, ये भाव रूप ही भगवान को पिघला देता है, जिसके जैसे भाव। तो तेजस्वी हो गए भाव से, द्रवित हृदय होने से हमारे पास आंख में पानी भी आ गया, अब मिट्टी कहां से लाएंगे? मृदाम लाएंगे, महापाद रजो अभिषेकम, मत संतों के चरणारविंद के चरण रज से। वृत्रासुर की स्तुति में एक ही चीज कही है, और प्रहलाद जी ने भी यही कही है, और जितने जितने आगे भक्त आएंगे उनको एक ही चीज, इस पूरी भक्ति के प्राप्त करने का एकमात्र साधन है महात्माओं की चरण रज, मूरी चरण रज लगाई। चरण रज बोलते तो है मिट्टी, लेकिन वृंदावन की रज को मिट्टी नहीं कहती हूं। कई लोग ये गाते हैं कि जो तेरे धूल भी मिल जाए, कौन सा, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, क्योंकि हमारे डोंगरे जी महाराज ने हमें इतने वर्षों के अंदर कह दिया था कि वृंदावन की रज मिट्टी नहीं है, नदी गंगा जी नदी नहीं है, और तुलसी जी झाड़ नहीं है। तो ब्रिज रज को माथे पे लगाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण, इसमें एक बात बीच में याद आ गई, क्या करूं, एक बार कृष्ण भगवान का द्वारका जी में पेट दर्द हुआ। वो रुक्मणी जी कहे कि ऐसी क्या बात है कि हमको तो कम प्यार करते हैं और गोपियों को ज्यादा याद करते हैं, ऐसी क्या उनमें बात है, हमें भी बताया जाए। तो कहा एक बार कृष्ण भगवान ने कहा, नारद जी ये लीलाएं तुम ही करते हो, तुम आ जाओ। नारद जी पहुंचे, बोले क्या बात है? बोले पता नहीं ठाकुर जी, हमको तो कम करते हैं, याद करते रहते हैं दिन रात वृंदावन की गोपियों की, वो अपन आगे करेंगे उद्धवागमन में। तो भगवान ने कहा कि एक लीला करते हैं, कह दिया कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। भगवान के पेट में दर्द का नाटक किया, सब लोग ला रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ किससे भी उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो कहा कि किससे ठीक होगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा, कोई अपने चरण की रज दे दे मेरे को, वो ले लूं तो उससे ठीक हो जाएगा। गए रुक्मणी जी के पास, नारद जी एक ही उपाय है, इसकी एक दवाई है कि कोई अपने पैरों की जो रज है वो भगवान को पिला दे। यहाँ इतने बड़े बैठे हैं लोग, कोई अपने चरणों की रज भगवान को पिला सकता है? नहीं, पाप लगेगा भगवान को हमारे पैरों की। राम 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 राम। रुक्मणी जी कहे मैं कैसे पिला दूं, वो कहे मैं कैसे पिला दूं, कोई पिलाने को चरणों की रज देने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी गृहस्थ से पूछा, नहीं 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 नहीं, सिर पे लगाते हैं, भगवान को हम चरण रज कैसे दे देंगे। आगे बढ़े, भगवान ने कृष्ण ने कहा कोई नहीं देगा, तुम सीधे नारद ब्रज जाओ। नारद जी सीधे ब्रज में गए, वहां गोपियां रमन रीति में बैठी हुई याद करती हुई आंसुओं से अपने ठाकुर जी को पुकार रही थी। पुकारते पुकारते
उन्होंने कहा, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, तुम जहाँ हो वहाँ अच्छे से रहो। देखिए सच्चा प्रेमी होता है ना, वो कभी अपने सुख की नहीं कामना करता है, सामने वाले प्रेमी के सुख की कामना करता है कि वो खुश रहे। वो गोपियाँ बिचारी रोती हुई उनको कह रही थी कि आप सदा खुश रहो। और नारद जी पूछे, नारद जी आप तो सब जगह भ्रमण करते हैं, हमें भी बताइए हमारा लाला कैसे, हमारा कृष्ण कैसे, हमें बताइए। नारद जी ने कहा कि आप इतनी देर से यहाँ बैठी हुई रात दिन रोती हैं। बोले रोती नहीं है, हम उनका मंगल मनाती हैं, हम हमारे पुराने जीवन को याद करती हुई यहाँ रमण रीति में इकट्ठा हुई रहती हैं। तो बोले हमारे कृष्ण कैसे? बोले इतने दिन तो अच्छे थे लेकिन अभी इनके पेट में दर्द हो गया है। भगवान के, ठाकुर के, हमारे लाला के पेट में दर्द हुआ, अरे कोई तो दवाई होगी, कोई कहे ये घिसले वो घिसले। बोले सुनो, उनकी दवाई तो है पर कोई देने तैयार नहीं। बोले हमारे कृष्ण को दवाई है और कोई देने तैयार नहीं? बोले हाँ। बोले कैसी ऐसी दवाई है? बोले भगवान की, कृष्ण का पेट ठीक होएगा, कोई अपने चरणों की धूली दे देवे, वो पिला देवे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। तो बोले इतनी सी ये दवाई कोई देने के लिए? ले ले मनो ले जा। सब सखियां खड़ी हो गई, अपने अपने धोबा भर भर के अपना रज निकाल निकाल के कृष्ण को देती रही, नारद जी को देती रही, ले जा ले जा अभी से। बोले पाप लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा आपकी चरण रज उनको। अरे हमको हजार नरक घुसने पड़े, मेरे लाला को ठीक तो होने दे, मेरे कृष्ण को, मेरे प्रीतम को ठीक तो होने दे, हम 10 नरक में चली जाएंगी, हम 100 बार नरक में चली जाएंगी। ये है प्रेम, जो अपने प्रेमी का सुख चाहती है, उस प्रकार की रज जो हमें मिल जाए तो हम माथे से लगा लें। ऐसे प्रेमियों की रज हमारे मस्तक पर लगाएंगे तब हमारे हृदय रूपी अब रज पानी और तेज, तेजो वार इमृदाम, इस तेज इस रज से हमारे अंदर के पात्र को जिसमें संसार रूपी कीचड़ लगा हुआ है उस रज से धोएंगे और जल रहेगा वो भावना का, हृदय का जल, और उससे साफ करके जब गर्म करेंगे तब पात्र अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आंखों में सत्संग का पानी हो, छल छिद्र रहित होकर के कथा सुने, कोई नुक्ता चीनी, कोई आलोचना, कोई शिकायत के साथ नहीं सुने। काम क्रोध मद मोह लोभ, मैं कल ही रात को गुरु जी से प्रश्न कर रही थी, इसमें निर्मत सराणा माता है। मैंने कहा गुरु जी काम भी दिख जाता है, क्रोध भी दिख जाता है, क्रोध भी दिखाई पड़ता है तो छोड़ भी देते हैं, लोभ भी पता पड़ जाता है छोड़, लेकिन ये मत्सर है ना, ये मत्सर गुरु जी नहीं जाता। मत्सर यानी ईर्ष्या, वो कंपैरिजन से आती है, दो जने हुए कि नहीं, बैठे बैठे कोई केवल नेत्रों से देखते देखते मत्सर अंदर घुस जाता है। बड़े से बड़े निवृत्ति लोगों को देखा, कल मैंने बताया था दो निवृत्ति, निवृत्त टोटल घर बार छोड़ करके बढ़ के नीचे ऋषिकेश में दो झोपड़ी बना करके रहते थे और सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब चीज मालूम नहीं, अहंकार किससे करेंगे क्योंकि कोई लोग तो आते नहीं थे, पूरे योग ध्यान में इष्ट थे। दोनों जब एक साथ दो झोपड़ी में अलग अलग रहते थे, अपने पूजा पाठ करके साधना करते थे, एक थोड़ी दिनों में दो तीन आदमी आए, एक जने को पूछा, बड़ा नरम था, उससे अच्छी अच्छी बातें बताने लग गया। बोले अच्छी बात बताते हैं तो दो को, दो चार को ले आया, चार आठ को ले आया, आठ सोलह को ले आया, ऐसे करके सत्संग की बात चलने लगी, उनके पास भीड़ इकट्ठे होने लगी। दूसरा बैठा था वहां पे, उसको लगे क्या बात है, इसके पास अभी तक तो अकेला था, वहां से उसके अंदर क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया कि क्या बात है। शाम को देखता तो कोई रोटी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, उन पंडित जी को, उन संत को जिमा रहा है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने 3-4 दिन 10 दिन 15 दिन देखा, फिर उसके बाद देखने के लिए गए। देखिए मत्सर का बीज, उसका अच्छा क्यों हुआ, किसी का अच्छा देखते ही हमारे अंदर मत्सर का बीज शुरू हो जाता है। और अधिक तो ना कहें, बच्चे जो छोटे होते हैं ना तो भाई बहन में मत्सर करा देते हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में और देवरानी जिठानी में, मैं कहूं कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें मत्सर नहीं होता, शिष्यों में। हमने सुना है उड़िया बाबा जी के
दो शिष्य, उड़िया बाबा जी का तो बहुत नाम सुना, उड़िया बाबा जी का आश्रम भी है वृंदावन में, उनके दो शिष्यों में केवल मत्सर के नाम पर दोनों इतने पहुंचे हुए शिष्य, क्यों गुरु जी ठीक है ना, और कुल्हाड़ी मार के एक शिष्य को ज्यादा पूछने लग गए बाबा जी, तो दूसरे शिष्य ने काफी दिन के बाद लास्ट डे जब था, गुरु जी बोलने लग रहे थे कि उद्घाटन होने वाला है, तो वो बार बार उसी शिष्य को बुलाते थे, तो ये शिष्य के मन में उस दिन इतना ज्यादा क्रोध आ गया मत्सर का, कुल्हाड़ी उठाई और उस शिष्य को मारने के लिए गया, और वो कुल्हाड़ी उसके बदले खुद उड़िया बाबा जी का काम तमाम कर दिया। ये बनी घटना वृंदावन में, उड़िया बाबा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका ऐसे किया गया। मतलब क्या इतना इतना ज्ञान, इतना सत्संग, इतना भजन, इतना तीर्थवास, इतना वृंदन, फिर भी मत्सर इतना छोटा है, अंत तक नहीं जाता। और संतों के पास तो शिष्यों में बहुत ही मत्सर होता है। ये मत्सर छूटने की एक ही उपाय है, कि मत्सर छूटने के लिए एक ही उपाय है, अपने को छोटा मान लो, अपने को छोटा मान लो। मुझे गुरुजी बता रहे थे साधारण आदमी जितना इजीली रहता है, असाधारण होने की चेष्टा में हमेशा मत्सर होता है, किसी की बराबरी करने में मत्सर बहुत होता है, अपने को किसी से शांत और साधारण और सरल मानने से मत्सर छूटता है। इसमें कहानी और सुना दूं, टाइम तो नहीं है पर सुना देती हूँ, घड़ी बहुत भाग। ज्ञानेश्वर महाराज की कहानी से आप सब लोग सुने हुए होंगे, बस जल्दी से सुना देते हो। चांगदेव जी कितने बरस, 1400 साल पुराने, 1400 साल, और इतनी शक्ति, इतनी उनके पास चीज, इतने लोग, और मिनट मिनट में सिद्धियों से युक्त। मालूम पड़ा ज्ञानेश्वर महाराज का बहुत नाम हो रहा है। सो तो 1400 वर्ष के चांगदेव जी को मत्सर ने घेर लिया, बोले जाओ अपने शिष्य को भेजा, बोले वो ज्ञानेश्वर जी को बोलना मैं मिलने आ रहा हूं। ज्ञानेश्वर जी बोले आने दो। तो चांगदेव जी ने कहा कि चलो मैं शास्त्रार्थ करूंगा, मैं मिलके आऊंगा। तो अपनी सिद्धि से शेर की सवारी करी, किसकी, शेर की सवारी में गए। देखो आपने क्या कहेंगे, घना बड़ा संत है भाई, घना बड़ा शेर पर आ रहा है 1400 वर्ष, कितना, अपने तो पहले से हाथ जुड़ जाते हैं सुनते ही। आए और इतने बाजे गाजे के साथ आ रहे थे मुक्ता भाई और ज्ञानदेव जी, एक दीवाल पे बैठे नीम के दतून से दतून कर रहे थे। मुक्ता भाई कहे भैया वो चांगदेव जी आ रहे हैं, वो शेर की सवारी करके आ रहे हैं, हम कौन सी सवारी से चलें। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा इस पर ही बैठे हुए हैं जो दीवाल है, उसी को कहा चल दीवाल। वो दीवाल ही चल पड़ी, जिस साधारण संत की दीवाल चल पड़े, उन्होंने कभी अपना का बड़प्पन दिखाया नहीं, कभी दिखाया नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो उनको मत्सर कैसा, उनको मत्सर कैसा। तो ये मत्सराणाम के लिए मैंने कहा कि मत्सर जो है वो कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने को देखते रहना चाहिए। अब किसी ने पूछा कि इतना मत्सर कर रहे तो अब श्रीमद् भागवत कहाँ रह गई। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, बोले श्रीमद् भागवत देखना हो ना, श्रीमद् भागवत आपको बता नहीं सकती हूँ मैं। तीन डली ले आइए। क्या तीन डली, एक फिटकरी की डली लाइए, एक नमक की डली लाइए और एक मिश्री की डली लाइए, तीनों डली रख दीजिए ठीक है। अब तीनों डली में बताइए कौन सी मिश्री की है, कौन सी फिटकरी की है, कौन सी नमक की है, नहीं बता सकते ना, चखने के बिना बताएंगे, चखेंगे तो पता लगेगा अरे यार तो फिटकरी है। तो मिश्री की डली को भी चख के आप बताएंगे तो श्रीमद् भागवत को तो चखे बिना कोई बता ही नहीं सकता कि श्रीमद् भागवत का रस कैसा, चखे बिना भागवत का रस नहीं पता लगेगा। और चखने के लिए भी अपने मन की तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जैसे बरसात होती है आपके पास पात्र नहीं है तो हम नहीं ले सकेंगे, कृपा करने के लिए स्वयं ठाकुर जी बैठे हों तो कृपा लेने के लिए पात्र तो हम बने। और पात्र क्या चाहिए, पात्र चाहिए दो कानों के द्वारा अपना हृदय, दो कानों को खुला रखिए और उसके द्वारा अपने हृदय को खुला रखिए, इस पात्र में श्रीमद् भागवत का रस समापन हो जाएगा।
जीव और परमात्मा कब अलग हुए, भागवत में कहा जीव और परमात्मा कब अलग हुए ये मुझे पता नहीं। अब निगम कल्प करोति फलम शुकमुखाद्रवत संयुतम पिबत भागवतम रसमाले। मैंने बताया ना पीने की चीज है, एक पीने की चीज के लिए जरा भागवत के लिए जरा कीर्तन ले ले जोर से तो भागवत उसके कारण से जरा पी जाए जोर से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे फलम शुकमुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम। जितने भागवत की कथा में क्या लिखा कहता है पिबत 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 भागवतम रसमाल्यम। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, अत्यंत मधुर अत्यंत ग्रहणीय है, अमृत के समान है। क्या प्रमाण कि अमृत जैसा है? प्रमाण दीजिए। प्रमाण यह है कि इस फल का केवल पारखी तोता होता है, इसीलिए शुकमुखा द्रव अमृत द्रव संयुतम। दूसरा प्रमाण यह है कि जब यह भागवत सुनाई गई तो देवता वहां से कल्प वृक्ष और कामधेनु लेकर के आए कि यह हमारा स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए और हमको ये पृथ्वी तत्व का भागवत अमृत हमें दे दीजिए। पर सुखदेव जी ने कहा नहीं, ये अमृत नहीं दिया जाएगा, उस अमृत से भी ऊपर अमृत है। ये प्रमाण है, ये अमृत फल प्रमाण है। क्यों? ये ऊपर देवताओं को ये सब मिलता नहीं है, वो लोग पुण्य करके अपना कमाओ खाओ उसके बाद वापस क्या बनना आना पड़ता है, वापस लोक में आना पड़ता है, मृत्यु लोक में आकर के ही यहां से लेते हैं।
फल का उत्तम पारकी तोता होता है, इसलिए शुक का मुख लगने से यह अमृत के समान हो गया, सुखदेव जी के लगने से। सादेव कल्प वृक्ष तो लौकिक है, परंतु यह तपका हुआ फल है। जैसे कोई वृक्ष हो और उसका अपने आप तपके फल, तो उसकी स्वाद अलग होती है। आजकल तो आम वाम भी सब पकाए जाते हैं, करे जाते हैं, वैसे नहीं है। और ये इसलिए है कि शुक, अगर भागवत इतना ऊंचा नहीं होता तो सोचिए कोई कहानी होती तो क्या नारायण जी उठ करके, नारायण उठ के ब्रह्मा को देते, और ब्रह्मा जी उठ करके व्यास नारद जी को देते, और नारद जी उठ करके व्यास जी को देते, और व्यास जी उठ करके सुखदेव जी को देते, जिन्हें माया भी नहीं लगी, और जो दिगंबर घूम रहे थे वो सुखदेव जी इस फल के, इस भागवत के फल से आकर्षित हो चुके, तो सोचिए ये कितना ऊंचा फल होगा। एक दिगंबर मायातीत इससे आकर्षित हो रहा है, तो इसमें कुछ तो होगा। हो सकता है हमें ये फल पारखी ना हो, हम इसे लेने में उतने सक्षम ना हो, पर भागवत का फल बहुत ऊंचा है, इसे रसात्मक से गाया है। तो बोले कब तक पिए, हम तो इतने बरसों से पीते आ रहे हैं, हमको तो कभी तक अनुभव नहीं हुआ। बोले जब तक आनंद